एमपी के गुना राघोगढ़ में जैसे जैसे चुनाव का समय पास आता जा रहा है, वैसे बड़े से बड़े नेता राघोगढ़ में आते जा रहे हैं। आज राघोगढ़ में जनसभा रखी गई और इस बार भाजपा सरकार को राघोगढ़ क्षेत्र में लाना है और एक नया इतिहास बनाना है। और आज पहली बार राघोगढ़ में भाजपा सरकार के गृह मंत्री अमित शाह पधारे और कांग्रेस पर निशाना बोला और बोले कि जनता को इस बार आप सभी को भाजपा सरकार लाइए और नया इतिहास बनाइए राघोगढ़ में, और हीरेंद्र सिंह बंटी जी को विजय बनाए। लाडली बहन योजना को सम्मानित किया, लाडली बहनाओं को बताया कि आने वाले समय में बीजेपी सरकार आपको सिलेंडर 450 रुपये में मिलेगा और आने वाले समय में हम और योजनाओं का लाभ भी देंगे। राघोगढ़ क्षेत्र में कभी भी भाजपा सरकार नहीं आई है, 40 साल का इतिहास है। अभी हीरेंद्र सिंह बंटी बनाजी का कहना है कि इस बार भाजपा सरकार को लाना है और एक नया इतिहास बनाना है और देश का नाम रोशन करना है, नरेंद्र मोदी जी को विजय बनाना है, कमल का फूल खिलाना है। इनको तो नर्मदा मैया की जय बोलते हैं तो भी तकलीफ आती है। कर्नाटक में मंगलसूत्र पहनकर परीक्षा नहीं दे सकते, एक कांग्रेस पार्टी हमेशा हमेशा भारतीय संस्कृति का मान है। भाइयों बहनों, हम आप तो गुजरात से आता हूं, हमारे गुजरात में कहते हैं देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।